हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हम आपके बीच। जो बच्चे छोटे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, अपने लक्षणों को नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें क्या है, क्या तकलीफ है, कहाँ दर्द है, उनके रोने का कारण हमें पता नहीं चल पाता है, तो इसी कड़ी में हमने अभी पीछे के वीडियो में 3 दवाओं का जिक्र किया था। आज हम कुछ दवाओं का और जिक्र करेंगे। तो आइए जानते हैं बेलाडोना का बच्चा कैसा रहेगा। जहाँ तक रोने की बात है तो बेलाडोना का जो बच्चा है वो बहुत कम रोता है। रोता कब है? जब उसे भूख लगेगी तब रोता है। ये अलग बात है कि उसे पेट में दर्द है या बच्चों की जो भी समस्याएं होती हैं उसमें थोड़ा बहुत रो सकता है वो, लेकिन वो इजिली चुप होता है। इजिली चुप होने का मतलब ये है कि माँ दूध पिला देंगी, थोड़ा सा लेके घुमा देंगी, वो चुप हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जो बेलाडोना का बच्चा होगा वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है, इजिली चुप हो जाता है। अब थोड़े से अगर आप ध्यान देंगे तो बेलाडोना के बच्चे को आप पकड़ पाएंगे। होता क्या है, जैसे बेलाडोना का बच्चा बहुत ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से पकड़ेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो चल रही है आपके ही बच्चों के लिए चल रही है। आप हर एक दवाओं का लक्षण अगर ध्यान से जान पाएं तो आप घर में ही एक बहुत अच्छे बच्चों के लिए डॉक्टर बन सकते हैं। तो बेलाडोना जो है, बच्चा छोटा है, बिस्तर पे माँ ने लिटाया हुआ है, वो खेल रहा है, हाथ पैर चला रहा है, ये कर रहा है अपना मस्त एकदम से, या सोया हुआ है। रोएगा कब? जब उसे भूख लगेगी। माँ ने दूध पिला दिया और बिस्तर पे रख दिया, वो खेल रहा है। लेकिन बेलाडोना में एक खास बात होती है कि बेलाडोना का बच्चा वो अपने इर्द गिर्द देखता रहेगा कि मम्मी पापा हैं कि नहीं हैं। जब तक उसके अगल बगल कोई है जिसे वो जानता है तब तक तो वो चुप रहेगा। नहीं, जैसे ही आप हटे वहाँ से, मम्मी किचन में चले गई, पापा कहीं और चले गए, रोना चालू कर देता है। वो बहुत तेजी से रोता है। जब तक आप आएंगे और आपको फिर वो देखेगा, देखने के बाद और तेजी से रोता है, इसलिए कि आप उसे गोद में उठाएं, गोद में उठा के फिर उसे आप अच्छे से थोड़े से अच्छे झप्पी देते हैं, बेलाडोना का बच्चा चुप हो जाएगा, या थोड़ा सा दूध पिला दीजिए, बेलाडोना का बच्चा चुप हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि बेलाडोना का बच्चा बहुत ही प्लेफुल होता है। प्लेफुल में जैसे हमने जाना कि बहुत सारे और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन बेलाडोना का भी बच्चा प्लेफुल होता है। खेल में कोई डिस्टर्बेंस उसको नहीं चाहिए, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बच्चा बड़ा हो। आप छोटे बच्चे में भी ये देखेंगे कि वो कभी भी कोई हॉरर या बोरियस वाली चीज़ें नहीं देखेंगे, मोबाइल में या टीवी में बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो इंटरटेन, जिसमें उनको मज़ा आए, जिसमें उनको बोर ना हो, वो चीज़ देखेंगे। ये होता है बेलाडोना का बच्चा। बेलाडोना का बच्चा तबीयत खराब की भी स्थिति में वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, इसलिए कि उसका खेल न रुके। और बेलाडोना का बच्चा बहुत ज़्यादा अपने तरफ ध्यान आकर्षित करता है किसी का भी, मम्मी पापा और लोगों का, क्लिनिक में आएगा तो आपका यानी डॉक्टर का। जैसे मान लीजिए आपके क्लिनिक में बेलाडोना का बच्चा आया, वो जल्दी तो गोद में मम्मी पापा के रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब क्लिनिक में आया है तो मम्मी कहेंगी बेटा कौन है, तो आपकी तरफ देखेगा ऐसे, फिर मम्मी की तरफ देखेगा ऐसे, उसके बाद मुस्कुराएगा। ये अगर आप सीख गए, बेलाडोना का बच्चा ऐसी हरकत करता है अक्सर आके क्लिनिक में, बेटा हेलो बोलो, तो वो ऐसे साई नेचर का होता है, शर्मा के पीछे चला जाएगा। धीरे धीरे जब आपसे खुलेगा तो वो गोद से उतर जाएगा, मम्मी के अपने गोद से उतर के वो कुछ ऐसा करेगा जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। वो छोटा है, भले वो नहीं चल पा रहा है, वो अपने घुटने के सहारे चल रहा है, फिर भी वो कुछ ऐसा करेगा कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, और वो चाहता भी है। ये उसका एक क्वालिटी होता है बेलाडोना का। हालांकि अटेंशन वाले बहुत से बच्चे हैं, लेकिन बेलाडोना की एक खास एक सिम्टम होती है। तो ऐसे सिम्टम अगर हम थोड़े से सीख जाएं तो बेलाडोना को हम काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे, और ऐसे सिम्टम अगर किसी बच्चे में हमें दिखें तो हम दे सकते हैं। ये आज हमने बेलाडोना पर चर्चा की। अब हम
चर्चा करेंगे दूसरे मेडिसिन पे, वो है लाइकेसिस। जैसे हमने बेलाडोना जाना उसी तरह सेम लाइकेसिस होता है, लेकिन बेलाडोना जहाँ भोला होता है लाइकेसिस वहीं चालाक होता है। लाइकेसिस के अंदर बहुत एनर्जी होती है। जहाँ बेलाडोना का बच्चा भोला है, आसानी से चुप हो जा रहा है, रो रहा है भूख के कारण, तो दूध पिलाने से मान जा रहा है, लेकिन लाइकेसिस का बच्चा इतना आसानी से नहीं मानता है। हालांकि बहुत छोटे बच्चों में लाइकेसिस कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी लाइकेसिस का बच्चा आप देखेंगे तो बचपन में भी एनर्जी से काफ़ी भरपूर होता है। लाइकेसिस का बच्चा अगर आपके क्लिनिक में आता है, जैसे बेलाडोना का बच्चा गोद से उतर के खेलना चाहता है, सेम उसी प्रकार लाइकेसिस का भी बच्चा माँ की गोद में बैठना पसंद नहीं करता है, उतरता है और वो खेलना चालू करता है। अंतर आप समझेंगे कैसे कि बेलाडोना है ये लाइकेसिस है। ये भी अटेंशन चाहता है, ये भी ऐसा कुछ करेगा लाइकेसिस वाला बेलाडोना जैसे, जैसे कि आपको लगेगा कि कहाँ से हम लक्षणों को कैसे हम समझें, तो आप ये ध्यान देंगे बेलाडोना का बच्चा अटेंशन पाने के लिए कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन लाइकेसिस का बच्चा एनर्जी से इतना भरपूर होता है कि कुछ तोड़ फोड़ जरूर आपके क्लिनिक में मचाएगा, कुछ गिरा देगा, कुछ नुकसान कर देगा, ये क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी होती है, वो बचपन से ही इतना क्यूरियस होता है, इतना हर चीज़ों के पीछे जानने के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है कि वो हर चीज़ को जानना चाहता है कि ये है क्या। अगर ये बच्चे आप देखेंगे ज़रा सा बड़े होते हैं तो खिलौना अगर इनके पास है कोई भी खिलौना, तो ये खेलेंगे कम, उसको खोल के देखना चालू कर देते हैं कि ये बना कैसे है, चलता कैसे है, इतना जिज्ञासु होता है लाइकेसिस का बच्चा। एक मैं केस आपको बता रहा, मैं एक जगह गया था, बड़े ध्यान से एक छोटी सी बच्ची को मैं वहाँ देख रहा था, एक शादी का माहौल था वहाँ पे, टेंट में कुर्सियाँ और जो लगे होते हैं चारपाई लगे थे, अन्य बच्चों की तरह वो बच्चा भी कूदना चाह रहा था, कुर्सियों पे कूद कूद के, कभी इस पे कभी उस पलंग पे कूद रहा था, लेकिन बीच में गिर जा रहा था, वो गिर जा रहा था लेकिन फिर उसी एनर्जी के साथ उठ के फिर खेलना चालू कर रहा था। मैं देखा बोला, अरे यार इतना छोटा पतला बच्चा है, ये हेल्दी वाले बच्चों से शायद अपनी तुलना कर रहा है, ये जैसे हेल्दी वाले बच्चे एकदम कूद रहे हैं वैसे ये भी कूदना चाह रहा है और कूद भी रहा है, गिर रहा है फिर भी कूद रहा है। संजोग बस उनके फादर से मुलाकात होती है, तो उन्होंने हमें कहा कि सुखंडी के लिए मैंने इस बच्चे की मेडिसिन बहुत जगह कराई है, अगर आपके पास कोई मेडिसिन है तो प्लीज़ दे दीजिए। उस समय मैंने इसको लाइकेसिस ही दिया था, और एक महीने बाद उस बच्चे को अब विश्वास नहीं करेंगे, होम्योपैथी का चमत्कार कहिए, गजब स्वस्थ बच्चा हो गया था, देखने में एकदम मस्त महीने भर के अंदर। तो लाइकेसिस कितना भी उसकी कमजोरी रहेगी, गिरता रहेगा, चलता रहेगा, एकदम खेलता रहेगा, तो ऐसे सिम्टम अगर हमें नजर आए तो ये बच्चा लाइकेसिस का होता है। आइए आज एक और मेडिसिन हम इसमें देखते हैं, बहुत ही प्यारी मेडिसिन है, पल्सर टीला। पल्स का जो बच्चा होता है, पल्सर टीला का जो बच्चा होगा वो बहुत प्यारा होता है, वो आपसे प्यार चाहता है, अगर आप उसे प्यार नहीं देंगे तो वो छोटा सा बच्चा रोने लगेगा। आप उसे ऐसे आँख दिखा देंगे, लेटा हुआ है खेल रहा है, आप उसे अगर ऐसे आँख दिखा दिए उसको ऐसे गुस्से में, वो रोने लगेगा तुरंत, और आप गोद ले लिए उसे, चुप हो जा चूहा बाबू बाबू सोना बाबू चुप हो जा, वो चुप हो जाएगा। वो अगर रो रहा है तो सिर्फ गोद में लेके आप चुप कराएंगे तो चुप नहीं होगा, वो जब समझेगा कि आप उसे प्यार दे रहे हैं, छोटा सा बच्चा समझ जाता है तब वो चुप होगा, वो एहसास उसको हो गया कि नहीं जिसके गोद में हम हैं वो गुस्से से हमें थपथपा नहीं रहा है, प्यार से थपथपा रहा है, आराम से आहिस्ते से, तब वो चुप होगा जाके। रूठता बहुत जल्दी है छोटा सा बच्चा, मुंह फुला लेगा, आप उसे प्यार देंगे तुरंत तो आपके गोद में आके चिपक जाएगा। पल्स रोता है तो उसे प्यार चाहिए, आप प्यार देंगे
वो तुरंत चुप हो जाएगा। बुखार की भी स्थिति में वो माँ के गोद से उतरना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो तीनों दवा चल रही है तीनों में बच्चा अटेंशन चाहता है, अपने तरफ लोगों का आकर्षण चाहता है, पल्स जो है पल्सटीला प्यार चाहता है। तो अगर ऐसे सिम्टम आपको नजर आए तो इसमें पल्स देंगे आप तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि बुखार है तो बच्चे को कौन सी हम पोटेंसी दें। बच्चे की स्थिति के ऊपर है, बहुत बच्चा दुबला पतला है तो आप पहले कम पावर्स चालू करिए, अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो धीरे धीरे हाई पावर करें आप। अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो आपके नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं उस सलाह लेके आप आगे की दवा उन्हें आगे की पावर दे सकते हैं। जिन दवाओं का जिक्र हमने आपसे इस वीडियो में किया है वो दवाएँ ईजिली आपके नज़दीकी किसी भी होम्योपैथी फार्मेसी में मिल सकती हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। इसका लिंक आप हमारे इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप यदि नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। धन्यवाद।